का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने पहली बार आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए वीडियो के बने रहिए, क्या है क्या है नहीं है तो आप इसे देखते रहेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडली में भी शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा बातें ना करें आप लोग से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो भी स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉग कल ब्लॉग नहीं गया था, कल छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो मैं ऐसे ही डाल दी थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। आज मैं सोची आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग करवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तो घर ऐसे ही सिस्टम है, जब बहुत दूसरी बार आऊँगी तो हो सकता है अच्छा हो जाए, बट इस समय तीसरे तो बाहर से आज मैं अपना होम टूर कराऊँगी। तो गाइस, ये सुबह की मॉर्निंग का 7 बज रहा है और चिड़िया चहचहा रही थी, तो मैं सोची चलो आज मैं उनका भी थोड़ा सा आप लोग को सुना देती हूँ। तो ये देखिए मेरा हाउस है, जो मेरा घर है, घर बोलते मुझे घर बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा घर है, गेस्ट रूम में मैं सामने खड़ी हूँ और आरी बगल और लोगों का घर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मेरा गेस्ट रूम है जिसमें मैं अक्सर इसी यही वीडियो बनता है जो आप लोग को दिखाई देता है। ये गेस्ट रूम है, अंदर आ जाओ। ये मेरा गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम से ठीक बगल में आज मैं पूरा आप लोग को शेयर कर दी हूँ। ये मेरा गेस्ट रूम से बगल में एक रूम है जो दूसरा रूम है, यहाँ पे अंदर आ जाओ। और यहाँ पे जो बाहर वाला बाथरूम है मेरा वो है, अंदर आओ दिखाओ। ये है और यहाँ पे एक चापाकल है, यहाँ पे टंकी की व्यवस्था नहीं अभी है क्योंकि हम लोग जब नहीं रहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसीलिए टंकी की व्यवस्था नहीं की जाती है। और चलिए अब चलते हैं अंदर, मेन रूम में आ गई है। बंद कर, अच्छा आ जाओ यहाँ से, ऊपर पट्टी से बंद करो। अब गेस्ट रूम से मैं इधर से एंट्री करके गेस्ट से आई हूँ इधर रूम में, आ जाओ अंदर रूम में। ये घर है, मेन घर जो है मेरा यही है और ये मेन गेट है जो अंदर आता है, तो आ जाओ। और यहाँ से इस तरीके से फिर इधर सीढ़ी है गेस्ट के बगल में, इधर आओ। और इधर सामने बाथरूम है, अभी इसमें अभी नहीं, बाद में टाइल्स वगैरह लगेगा, अभी तो ये फर्श ही है, यहाँ पे फर्श था पहले से था अभी है वो रहेगा, बाद में टाइल्स वगैरह लगेगा जब फिर हम लोग रहेंगे यहाँ पे आएंगे अगर कभी तो फिर उसी तरह। तो ये है, अब उसके बाद दूसरा रूम मेरा ये है जो मेरा अभी प्लास्टर हो रहा है स्टार्ट, जो मैं बोली थी इसमें अभी बांधा था गया है लकड़ियाँ ये सब चीज़ें। तो ये है फर्स्ट रूम, तो इधर आ जाओ। लाइट है, अच्छा इसमें बल्ब से बल्ब नहीं लगा है, क्योंकि लाइट जो लगी हुई है वो फ्यूज हो चुकी है, क्या हुआ है सारा सामान भरा, क्योंकि उस रूम को प्लास्टर हो रहा था, वो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में जो प्लास्टर हो रहा था सारा सामान इस रूम में हो गया है, इसलिए मेरा रूम इस समय स्टोर रूम हो चुका है। और यहाँ में ड्रेसिंग वगैरह ये सब जो भी चीज़ें हैं गृहस्थी का ये सब है। और चलिए आते तीसरा, ये मेरा किचन है जो इधर पूरा एरिया है, ये भी अब इसकी प्लास्टर की स्टार्टिंग होगी बस 2 दिन बाद से, तो यहाँ का काम स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं वॉइस पूरा बताई थी, एक्सप्लेन की थी, बट यहाँ पे आवाज़ बहुत तेज़ क्यों हो रहा था बाहर ट्रैक्टर जाते, क्या हो रहा था कि जो मुझे यहाँ पे वॉइस अपनी म्यूट करनी पड़ी, जो सब इसमें बताई थी सामने कैमरे से, तो मैं इसे म्यूट बता रही हूँ लेकिन म्यूट करके फिर से मैं ऊपर से वॉइस को ओवर की हूँ, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बाहर से बहुत ज़्यादा तेज आ रही थी और जिसके कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से आपको बताती हूँ, चलिए आगे वीडियो देखते रहिए आप लोग। और ये जो एरिया है पूरा, ये मेरा लॉबी एरिया है और लॉबी एरिया में बस एक मेरा ऊपर दिखा ये ग्लास पट्टी लगी हुई है, तो इस तरीके से है। और
आओ फिर पे आ जाइए। आप सीढ़ी कभी टूट कर आ देते हैं, ये है सीढ़ी ऊपर जाने का। आओ ये अच्छा चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने बहुत न रहने के हिसाब से बहुत ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है और उसी तरीके से। तो गाइस आज मैंने आप लोग को अपना होम टूर करा ही दिया और सारा चीज़। अब धीमे धीरे जब एक बार पूरा अच्छे से कलर वगैरह होगा फिर कभी आती हूँ, तो उस समय अभी तो पता नहीं कब तक रहूँगी, तक नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब कलर वगैरह हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तभी मैं आप लोग को फिर से टूर कराऊंगी। और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा घर है तो अपने दिखाने में सर नहीं, क्यों सर हम जो चीज़ें हैं सब कुछ है, मैं छोटी हूँ चाहे बड़ी चीज़ों सब मैं खुश रहती हूँ, ये मेरा है और किसी का सारा चीज़ है, जिससे मुझे इसमें कोई किसी का कोई चीज़ कमेंट नहीं समझ में आता है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और बहुत सारी बातें कर ली आप लोग से, बहुत सारे आज टूर करा दी, होम टूर जो मैं चाह रही थी काफ़ी दिनों से आप लोग को होम टूर अपना यहाँ करा दूँ, आज वो फाइनली हो ही गया। क्योंकि डेली रहता था, जब मैं सोचती थी तो कुछ लोग बाहर बैठे रहते थे या कोई रहता था सोचते थे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए करती नहीं थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज कोई नहीं, आज मैं होम टूर आप लोग को करा देती हूँ और आप लोग भी देख लीजिए मेरा घर कैसा है। तो हाउस टूर हो गया मेरा गांव का घर, वहाँ का घर मैं स्टार्टिंग में बनारस का जो है मेरा एक बार स्टार्टिंग में आप लोग को टूर कराई थी, बट बहुत अच्छे से। फिर मैं देखूंगी कभी वहाँ का भी टूर, वहाँ तो हमेशा रहूंगी लेकिन कभी भी जैसा लगेगा उस अकॉर्डिंग मैं आप लोग को फिर से वहाँ का भी टूर बहुत अच्छे से करा दूँगी। बट अभी यहाँ का है था तो यहाँ पर क्योंकि हमेशा आना नहीं हो पाता, इसलिए मैं सोची अभी हूँ तो अभी ये चीज़ें कर दूँ, नहीं तो फिर वैसे नहीं हो पाएगा। फिर आती हूँ तो क्या कैसे कि जल्दी जल्दी मैं आती हूँ तो एक दो दिन कोई काम है तो आई गई, फिर उसमें हो नहीं पाता है कोई चीज़ें, आप भी समझ सकते हैं। और इस बार में हम लोग काफ़ी दिन रह गए, 15 दिन गाँव पे, तो कुछ कोरोना वायरस का चक्कर था, कुछ ऐसे भी काम भी घर में चल रहा था ये भी था, और बगल में दादी थी उनका डेथ था, कई चीज़ें ऐसे आ गई थी सिचुएशन जिसके कारण इस लोग इतना रहने गए और अभी हैं भी। देखिए कब तक रहते हैं तो आप लोग खुद ही ब्लॉग के साथ बने रहेंगे तो सारी चीज़ें मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन कहाँ है कैसे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, पहले काम कर लेती हूँ उसके बाद आप लोग